इसको जो है गार्निश कर लिया मैंने धनिया पत्ता से। बस वेलकम टू माई न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग गाइज बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोग की कृपा आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, आज जो है मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। आज मैं शाही पनीर बनाने जा रही हूँ गाइज, और ये बहुत ही टेस्टी तरीके से बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करने वाली हूँ शाही पनीर का, किस तरीके से बनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने 2 पैकेट पनीर मंगाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले गाइस मैं इसको कट करने जा रही हूँ। गाइज आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पनीर को जो है स्लाइसेस बाय स्लाइसेस कट कर ले रही हूँ, और इसका स्क्वायर शेप में कट करना है। बस ऐसे, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला, एकदम परफेक्टली ये शेप हमें रखना है गाइज। ऐसे ही मैं दोनों पनीर के स्लाइसेस को जो है कट कर लूँगी। ये देखो गाइस, हमने जो है पनीर को कट कर लिया है, एकदम क्यूब में है ये सारे पनीर। ऐसे सारे पनीर को कट कर लेना है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है जो कि ये गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम तेल डालेंगे। सो गाइस, कढ़ाई में जो है हमने तेल डाल दिया है। देखिए रिफाइंड ऑयल का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। हमें इसमें जो है पनीर को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेना है। बस ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है पनीर को, थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करना है। तो मैं पनीर भी इसमें धीरे धीरे ऐड कर देती हूँ। सो गाइज, जब पनीर हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना हमें, इतने हो जाएंगे तो हमें पनीर को निकाल लेना है। सो गाइज, और इसी तेल में अब हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। ठीक है, जीरा डालने के बाद हम डालेंगे 1/2 इंच जो है अदरक, देख सकते हैं ये। ठीक है, और इसमें डालेंगे हम 3 इलायची, 6-7 कली जो है लहसुन की, 2 तेज़पत्ता, 10-12 जो है ये काजू, और 4 जो है मीडियम साइज़ के प्याज। इनको जो है गाइस चला लेना अच्छे से। और 1 जो है मीडियम साइज़ का टमाटर जो है इसके अंदर डाल लेना है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा हमें भूनना है। और गाइज अब इसके अंदर जो है ये शाही पनीर मसाला ऐड कर देंगे, और इसको चलाना है। इसके अंदर हमें थोड़ा सा क्वांटिटी में पानी ऐड करना है। देख सकते हैं गाइस, जब ये इतना हो जाएगा तो हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसे जो हमें एक मिक्सी जार में निकाल लेना है।
सो गाइस अब हम कढ़ाई में फिर से डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसको गर्म होने देंगे। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, चार जो हरी मिर्च डाली है, और इसी के साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पेस्ट जो कि कलर लेकर आएगा। बस इसको मिलाना है हमें। अब हम डालेंगे इसके अंदर दही, तो मैंने ये दही को कट कर लिया है, और देखिए हमने ले लिया इतनी क्वांटिटी में दही, इनफ है। और शाही पनीर है, इसके अंदर हमें थोड़ा सा ऐड करना है दही के अंदर, बस। और इसको जो है अच्छे से अब मिला लेना है। अब जो हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे जो हमने दही ऐड बनाई थी इसको, और इसको अच्छे से मिला लेना है। इसके मिलाने के बाद गैस हमें ऐड कर लेना है जो हमने प्यूरी रेडी की थी, ये प्यूरी, और इसको जो है अच्छे से अब मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे नमक स्वाद अनुसार और मिला लेंगे। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगी तो हमें इसके अंदर ऐड कर लेना है पनीर के स्लाइसेस। सो गाइस देख सकते हैं कि जो है शाही पनीर एकदम बन के रेडी हो गई है, मसाला भी इसका थिक हो गया है। तो अब हम जो है फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर गार्निशिंग कर लेंगे धनिया पत्ता से। देख सकते हैं गाइस इसको जो है गार्निश कर लिया है मैंने धनिया पत्ता से, बस। और ये खाने के लिए एकदम परफेक्ट रेडी है। सो गाइस आप लोगों ने देखा कि शाही पनीर बनाना कितना आसान है, और आप लोग भी अपने घर पर बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को जो है ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।